Assalamualaikum and hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज़ मरवा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बट चिकन कढ़ाई की रेसिपी। ये एक बहुत ही फेमस फूड चेन की जो चिकन कढ़ाई उसकी रेसिपी है। जो लोग बट चिकन कढ़ाई से फेमिलियर नहीं हैं तो आगे चल के मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये किस फूड चेन की चिकन कढ़ाई है। तो हम फटाफट से आज की रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक प्रेशर कुकर, जिसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने स्लाइस कर लिया था, और दो टमाटर लिए थे, उनको दो हिस्सों में कर लिया था। इस तरह से आप लोगों ने टमाटर को रखना है। ये दोनों चीज़ें मैं ऐड कर दूंगी प्रेशर कुकर में। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। बेसिकली जो बट चिकन कढ़ाई वाले हैं वो प्रेशर कुकर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेशर कुकर में हम अब ऐड कर देंगे चिकन। चिकन मैंने हाफ़ के जी ली थी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें चला गया, और इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस जिसमें है नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी। ये तीनों चीज़ें भी इसमें मैं डाल दूंगी। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है एक गिलास पानी का, यानी कि एक कप एक गिलास जितना पानी इसमें ऐड कर दें। और आप लोगों ने क्या करना है कि अच्छी तरह से इसको हम करेंगे मिक्स। आज की जो चिकन कढ़ाई की रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में मैं बनाऊंगी। आगे चल के देखिएगा एक स्पेशल सा मैं इक्विपमेंट भी यूज़ करूंगी। बेसिकली आई एम गोइंग टू यूज़ कढ़ाई, जो स्पेशल वाली कढ़ाई होती है जो रेस्टोरेंट्स में यूज़ करते हैं। तो आगे चल के मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट से ज़्यादा आप लोगों ने इसको प्रेशर कुक नहीं करना, वरना चिकन जो है वो हड्डियों से उतर जाएगी और प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। तो अब इसको 3 मिनट के लिए हम लोग प्रेशर कुकर लगा देते हैं। तो 3 मिनट बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रेशर कुकर के अंदर चिकन और प्याज और टमाटर वगैरह सारी चीज़ें डाली थी हम लोगों ने, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक कढ़ाई में। तो ये है वो स्पेशल सा इक्विपमेंट जो मैंने आज यूज़ किया है ट्रेडिशनल इसको बनाने के लिए, एक वो ऑथेंटिक जो बात होती है ना वो करने के लिए। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इस आपको टमाटर के छिलके नज़र आ रहे होंगे, तो वो आप लोगों ने अब इस टाइम पर रिमूव कर देने, ईजिली रिमूव हो जाएंगे। तो टमाटर के छिलके आप लोगों ने तरह से रिमूव कर देने हैं यहां पर। यहां पे मैंने टमाटर के छिलकों को कर लिया है रिमूव। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसी स्पून की मदद से, जिसको हम लोग करछा भी बोलते हैं, इसी की मदद से आप लोगों ने क्या करना है कि टमाटर और प्याज के जो स्लाइसेस थे उसको इस तरह से करके आप लोगों ने मैश सा कर देना है। और इस तरह से आप लोगों ने टमाटर और प्याज को मैश कर लेना है। अब इसके अंदर मैं 3 से 4 डालूंगी ड्राइड चिलीज, यानी कि सूखी हुई जो चिलीज़ होती हैं रेड चिलीज़, वो ऐड कर देंगे। बटन रेड चिलीज़ हो तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको पकाएं और साइड्स को इस तरह से आप लोग स्क्रैप करते जाएं। और पानी अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है जिंजर जूलियन, यानी कि लंबाई में कटी हुई अदरक। और अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करने जा रही हूँ, इसमें ऐड करूँगी अब मैं ऑयल। आप लोग देसी घी या वनस्पति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से मैं इसको चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि ये नीचे ना लगे। कढ़ाई जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसको मैंने एक ट्रेडिशनल अंदाज़ में आप लोगों के साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करनी थी, इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जिस तरह से नॉर्मल घर में कढ़ाई जिस बर्तन में भी बनाते हैं उस पर बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है धनिया पाउडर और काली मिर्चों का पाउडर। धनिया पाउडर मैंने रोस्ट करके फिर इसका पाउडर बनाया था, इससे इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ दही, जो कि 1/2 कप है। 4-5 चम्मच 5-6 टेबल स्पून आप लोग इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा दही। दही को फेंट दीजिएगा ताकि उसकी जो है वो कर्डल ना हो जाके। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कढ़ाई मसाला, और मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला। ये वाली रेसिपी जो है ये ऑथेंटिक बट कढ़ाई की रेसिपी है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक रेसिपी। वो इसी तरह से बनाते हैं, उसको प्रेशर कुक करते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं वो कढ़ाई में, और फिर उसी कढ़ाई में उसको सर्व करते हैं। और इसी तरह से करछे के साथ, जो स्पून आप लोग इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको करछा कहते हैं,
और इसी तरह से वो उसको बनाते हैं, तैयार करते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। तो यहाँ पे इसकी कढ़ाई की जो है वो ग्रेवी फॉर्म होना शुरू हो चुकी है। इसको स्लो आंच पे कर दीजिएगा ताकि ऑयल सारा ऊपर आ जाए। जब तक आप इसको स्लो आंच पे नहीं करेंगे तो ऑयल ऊपर नहीं आएगा। इसको आप स्लो आंच पे रख दें ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए, सरफेस पे आ जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट तैयारी पर है, और अब आप लोग देख सकते हैं कि इस पर ऑयल आ चुका है ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने इसकी आंच स्लो कर दी थी। इसके ऊपर मैं अब गार्निश करने के लिए डाल रही हूँ अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया। और आप लोगों की जो कढ़ाई है, बट चिकन कढ़ाई हो चुकी है बिल्कुल तैयार। इसको सर्व करें नान के साथ, सैलड के साथ, और आप लोग देख सकते हैं कितनी लजीज लग रही है। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।